नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह, आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो 20 दिनों से धरना स्थल पर धरना दे रहे थे, कल शाम में उनका लेटर जारी हो चुका है, जिसके वजह से जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे की खुशी आप लोग देख सकते हैं और उनकी ये खुशी उनसे ही बात करके हम जानते हैं। आप बताइए सत्यम जी। देखिए, ये खुशी मेरी खुशी नहीं है, वो पूरे बिहार की 1,30,000 माँ की खुशी है, जिसके घर में एक रोजगार का माध्यम आया, जिसका एक बेटा ने पूरे बिहार के अंदर खुशी लाने के लिए लड़ाई किया। एक बेटा ने नहीं, बल्कि बिहार के 1,30,000 माँ के जो बच्चे हैं, जिन्होंने सहयोग किया, सहयोग करने के साथ साथ हम लोग को आंदोलन करने में मदद भी किया और हम लोग आंदोलन में जीत हुई। और यह जीत मेरी जीत नहीं है, वो 1,30,000 माँ की जीत है। आप बताइए यहाँ के अध्यक्ष जी, आज तो आपका चेहरा चमक रहा है। हाँ, 20 दिन का ये मेहनत का प्रतिफल है और बिहार के तमाम सीटेड बीटेड उत्तीर्ण जो भी अभ्यर्थी यहाँ आए थे, उन सभी का कहीं ना कहीं मेहनत और पसीना के वजह से सरकार को झुकना पड़ा और हम लोगों को शेड्यूल जारी करना पड़ा। मतलब आपका पैदल मार्च, कैंडल मार्च, हवन, सतबुद्धि के लिए जो हवन किया था, बाल कटवाना, सब सफल हो गया जी। एक हद तक तो सफल कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग को परिणाम आज मिल चुका है, कल शाम में ही मिल चुका है। जी जी, कल शाम तक मिल चुका है। सबके चेहरे पे एक अलग ही आज खुशी है। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाँ, क्या बोले मैं, कितना खुशी है। बहुत खुशी है आज, बहुत खुशी है, क्योंकि कल कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ओर से लेटर जारी हुआ, लेकिन फिर भी अभी जो 2 महीना को हम लोग को टाइम दिया गया कि जुलाई में नोटिफिकेशन निकलेगा, अब देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा विभाग इस पर कितना अमल करता है। रिक्कू जी, आपके ऊपर लाठी भी चला था, आपके ऊपर और सत्यम जी के ऊपर लाठी चला था। मैम, लाठी से हम लोग दौड़ने वाला थोड़े हैं, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके सही मांग को, जायज को ठहराया जा सके। माननीय जो हमारे पदाधिकारी शिक्षा विभाग के हैं, दीपक कुमार सिंह सर, कहीं ना कहीं उनको मानना पड़ा ये बात को कि हम लोगों का मांगे जायज है, और उनको एक स्टेप पीछा भी हटना पड़ा कि बाबू हमको समय दीजिए, 1.5 महीना में सब हम लोग कर देंगे। तो हम उनको अभिभावक के तौर पर देखते हैं और कहीं ना कहीं एक लिखित आश्वासन मिला है, तो इसको अब सच्चाई में बदलने की जरूरत है। आज हम उनको फूल गुलदस्ता के साथ स्वागत भी करेंगे और आशा भी करते हैं कि उनकी जाने वाले सचिवालय। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, मतलब उनका धन्यवाद देने के लिए आज आप लोग सचिवालय। जी जी, क्यों नहीं, कहें ना कहें हमारा अभिभावक है, उनको 20 दिनों के बाद ही लगा, पर लगा तो सही, और उनको ये भी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है। और हम हाथ जोड़कर भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी को भी सद्बुद्धि जगे और वो अपने बयान को जो बोलते हैं वो सही समय पर सही तरीके से पूर्ण कराए। आज चेहरा चमक रहा है। यस मैम, बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग का जो 21 दिन से जो हम लोग का जो हो रहा था आंदोलन, आज रिजल्ट निकला तो खुश तो होंगे ही हम लोग। रिजल्ट तो आपका काफी पहले निकल चुका था, आज आपका नोटिफिकेशन आया, तो उसी का मतलब जो हम आंदोलन कर रहे थे उसका रिजल्ट आया कि नोटिफिकेशन आया। 20 दिन का तपस्या का फल, 20 दिन का तपस्या का फल मिला, बहुत सबके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं रहेगी, पूरे बिहार के जो 1.5 लाख कैंडिडेट, 1.5 लाख छात्रों के चेहरे पे जो यहाँ पे शामिल हुए वो भी खुश है और जो नहीं हुए वो तो बिना मेहनत के। चलिए, उनको भी भगवान अच्छा, हम सोच रहे हैं कि उनको भी जॉब लग जाए। और आप लोगों ने यहाँ पे जो कुछ अभ्यर्थी थे, 1.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे आप लोग बैठ के दिन रात एक करके लगातार 20 दिन तक धरने पे बैठे रहे। मेहनत तो सबने किया है, लेकिन जितने भी 1.5 लाख विद्यार्थी हैं सबको इसका फल मिलेगा। यस मैम, तो हम लोग से जितना हो सकता था इस आंदोलन के लिए उतना हम लोग ने किया। और आप बताइए, खुश है ना पूरा? जी मैम, आप चेहरे को देख के मेरी खुशी का मतलब अंदाजा लगा सकती है कि हम लोग थोड़े बहुत तो खुशी है। और शिक्षा विभाग के साथ साथ हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप भी हमारे इस 20-21 दिनों के संघर्ष का हिस्सा रहें और हमारे संघर्ष को आपने इतना मतलब दिखाया, जिससे कि शिक्षा विभाग की आंखें जो है थोड़ी बहुत खुली है। चलिए ठीक है, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आप जल्दी जल्दी शिक्षक बनिए और जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त कराइए, कराएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैम, बिहार इसलिए बदहाल है कि सरकारी स्कूल में कोई भी मंत्री महोदय के बेटा पढ़ने के लिए नहीं तैयार है। DPS ये सब स्कूल में, मतलब बड़े बड़े स्कूल में लोग पढ़ते हैं। और हम लोगों का मांग यही है ना कि समाज के सुधारे, शिक्षक में सभी प्रकार का गुण होता है, राजनेता का भी तैयार वही करता है, डॉक्टर का तैयार वही करता है, शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के पास रिक्तियाँ है और हम लोगों की मांग जायज है, तब जाकर के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह सर ने बोला
कि आपकी मांगों जायज है और हर मांगों को पूरा करते हैं। आप हमें 1.5 महीना का समय दीजिए, मैं 15 दिन एक्स्ट्रा ले रहा हूँ कि किसी प्रकार के भ्रम और भ्रांति में ना रहें और आप लोगों को रोस्टर भी क्लियर करना है, कोई गलतियाँ ना हो। तो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ इस बात से, और वो हमारे अभिभावक हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। आप बताइए इनके चेहरे पर तो खुशी साफ दिख रही है। हम तो पहले शिक्षा विभाग के जो दीपक सर है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है कि हम लोगों का जो शेड्यूल जारी किया है सरकार से, एक ही मांग है कि वो शेड्यूल जो जारी किया है उस पर अमल रहे, वो टिका रहे कि उस डेट तक हम लोगों का नोटिफिकेशन दे दे, ऐसे हम लोग का ये खुशी है। लेकिन इसको छोटे खुशी के रूप में माना जाएगा, लेकिन हम लोग अभी बैठेंगे नहीं, हम लोग अपने जिले स्तर पर काम करेंगे। जो DO DPO है उनको लेटर अपने देंगे ताकि हमारा रिक्तियाँ जल्द से जल्द दिया जाए और उसको हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो, इसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाएं। आप लोगों ने सुना कि जो यहाँ के अभ्यर्थी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारा जो लेटर था शिक्षा मंत्री के तरफ से वो जारी कर दिया गया है। और मेरी भी इन लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं कि ये लोग एक अच्छे शिक्षक बने और जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाएं।